विराट जी, आपका तो नाम भी विराट और काम भी विराट। नमस्कार सर। दुबई में से आज समय निकाला और वहां तो ये खेल आपका बड़ा तनावपूर्ण रहता है, उसमें भी आपने और अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अभी जो फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं, मैं जरूर चाहूंगा, देश भी जानना चाहेगा, क्योंकि नौजवान आपको, आपकी हर गतिविधि को देखता है, ये आपको कैसे मदद करता है? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ पे हम सबको बुलाने के लिए। एक सब लोगों ने फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करी और इसके फायदे, इसके लाभ हमको रोज अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी तरीके से देखते हैं। सबने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, मिलिंद जी ने भी बहुत अच्छी बातें रखी, बहुत इंस्पिरेशनल उनका भी काम रहा है, उनकी जर्नी रही है पिछले कुछ सालों में, मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया है। और मेरे खुद के एक्सपीरियंस में सर एक ट्रांजिशन एक्सपीरियंस करने को मिला मुझे, कि जिस पीढ़ी में हम खेलना शुरू हुए और जो उस समय खेल की हमारी डिमांड्स थी वो बहुत तेजी से बदली एक समय के बाद। और मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो एक हमारा सिस्टम बन चुका था, हमारा एक रूटीन बन चुका था, वो हमारे खेल के डिमांड्स के लिए सही नहीं था और उसे बदलना जरूरी था, क्योंकि हमारा खेल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे छूट जा रहे थे, हमारी स्किल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक स्वामी जी ने भी बात रखी, आपने भी बात करी, मिलिंद जी ने भी पहले बताया, एक जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है कि आपको खुद से रियलाइज हो कि मुझे क्या बदलना है अपने अंदर, तो मुझे वो एक समय पे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए फिटनेस मैंने शुरू करी, लेकिन आज अगर प्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता, लेकिन अगर फिटनेस सेशन मेरा मिस हो जाए या एक्टिविटी मिस हो जाए तो मुझे ज्यादा खराब लगता है। तो इसके फायदे जो है सर, सबसे पहले आपको ये जो नया मंत्र जगा तो दिल्ली के छोले भटूरे का ही बहुत दुखदार हुआ होगा। बहुत ज्यादा सर, मतलब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि हमारा जो नेटिव डाइट है, एक जिस रीजन से हम आते हैं उसका जो हम वो खाते हैं, उससे कभी मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि हेल्थ इश्यूज हुए हो या किसी को कोई बीमारियों का सामना करना पड़ा हो। मेरी खुद की एक्सपीरियंस में मेरी नानी, मैंने बहुत समय तक देखा, इतनी ज्यादा उम्र में भी उनकी हेल्थ हमेशा ठीक रही, हमेशा उन्होंने घर का सिंपल खाना खाया। तो मैं जब पला बड़ा तो शहरी खाना, मतलब बहुत ज्यादा बाहर का खाना होता था, खेलने कूदने जाते थे तो आते जाते बहुत सारी चीजें ऐसी खा ली कि जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। तो डाइट का भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो डिसिप्लिन नहीं था, तो वो फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और डाइट दोनों चेंज करना पड़ा सर। उसकी वजह से ही चेंजेस आने शुरू हुए और मैं इस चीज से इसलिए रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि जैसे हमारे खेल में चेंजेस आए, आज की लाइफ की भी डिमांड्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, बहुत हेक्टिक हो गई है लाइफ। तो अगर हम अपनी फिटनेस को उस पेस के साथ नहीं रखेंगे, सिंक में नहीं रखेंगे, तो हम पीछे छूटते चले जाएंगे। तो अगर हम लोग अपनी फिटनेस को नहीं इम्प्रूव करते तो हमारे खेल में भी आज हम बहुत पीछे छूटते चले जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपनी स्किल पे डिपेंड नहीं कर सकते। आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो आपका शरीर कितना तंदुरुस्त है और आपका दिमाग कितना तंदुरुस्त है, उस दोनों का एक कॉम्बिनेशन साथ में चलता है। तो अगर मेरा शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है जो मेरा दिमाग सोच रहा है, तो मैं जो करना चाहता हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे कैलोरी कम करने का भी जो चैलेंज रहता होगा और इतना बड़ा काम करने का भी चैलेंज रहता होगा, उसको कैसे हैंडल करते हैं? सर मैंने अभी जो अपने अनुभव में मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है वो ये है कि खाने के बीच में समय देना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत बार खाते हैं और फिर बड़ी मील के बाद वो छोटा पोटा खाते चले जाते हैं पूरा दिन, तो वो जो हमारा सिस्टम है उसको कहीं प्रोसेस करने का मौका ही नहीं मिलता खाने को, और रात तक हम खाते चले जाते हैं। तो मैं जब छोटा भी था तो 11:30-12 बजे डिनर हो रहा है, उसके बाद मीठा खा के एकदम सो गए, कुछ एक्टिविटी नहीं, कुछ उसके बाद वॉक नहीं। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें जो है जो बहुत मैटर करती हैं कि आप
अपने अंदर के सिस्टम को भी कितना समय दे रहे हैं उस खाने को प्रोसेस करने के लिए जो आप खा रहे हैं, तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आप किस वजह से कर रहे हैं। आप अपने आप को ओवरऑल फिट रखने के लिए कर रहे हैं या फिर सिर्फ वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, जैसे अभी जूता जी ने बोला। तो प्रायोरिटी बहुत जरूरी है अपने दिमाग में कि आप, आपकी इंटेंशन ठीक होनी चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली आपके रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे। बाहर मैंने सुना है कि इन दिनों टीम के लिए एक यो-यो टेस्ट हो रहा है, क्या ये कैप्टन को भी ये यो-यो टेस्ट करवाना पड़ता है कि आपको छुट्टी होती है? और यो-यो टेस्ट होता क्या है, क्या 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 करना पड़ता है? सर टेस्ट ये बहुत जरूरी था फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ग्लोबल फिटनेस लेवल्स की बात करें तो बाकी टीमों से हमारा लेवल अभी भी कम है, और हम चाहते हैं कि वो लेवल हम ऊपर लेके जाएं, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। आज की डेट में हम लोग फोकस करते हैं कि जैसे T20 मैच हो गया या वनडे मैच हो गया, वो एक दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम टेस्ट मैच की बात करें, जो 5 दिन आपको खेलना है, हर शाम को आपको वापस जाना है, अगले दिन फ्रेश आना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिटनेस जो स्टैंडर्ड था वो बहुत जरूरी था। और मैं सबसे पहले मैं ही जाके भागता हूँ, और ये कंडीशन है कि अगर मैं भी फेल हो जाऊंगा तो सिलेक्शन के लिए मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो आई थिंक ये सिस्टम और ये कल्चर सेट करना बहुत जरूरी होता है, और उससे क्या होता है सर, ओवरऑल एक जो फिटनेस लेवल है टीम का बढ़ेगा। जैसे टेस्ट क्रिकेट में हमारा बहुत बार होता है कि आप थके हुए हैं, तीसरे दिन आके आपको, जैसे हमारे फास्ट बॉलर्स हैं आज की डेट में वो दुनिया में सबसे ऊपर है, तो उनको अगर दूसरे तीसरे चौथे दिन आके वो एफर्ट डालना है फील्ड पे, तो वो डाल सकते हैं। पहले क्या होता था, स्किल हमारे पास हमेशा से रही है, लेकिन शायद जो मैंने आपको बोला वो ट्रांजिशन मैंने जो एक्सपीरियंस किया, हम लोग वो जरूरी समय जो आता है जहाँ पे शरीर थक जाता है और टीम को आपकी जरूरत है, वहां पे परफॉर्मेंस जो है हमारी डिप हो जाती थी और दूसरी टीम जीत जाती थी। आज की डेट में हमारी फिटनेस की वजह से हम वो जरूरी समय में उस चीज को कैपिटलाइज कर पा रहे हैं और हमारे रिजल्ट्स उसी तरीके से आ रहे हैं। तो एक एक सर बेंचमार्क आई थिंक एलीट स्पोर्ट्स में होना जरूरी है, उससे एक फिटनेस विराट जी, मैं देख रहा हूं कि आपका टाइम मैनेजमेंट तो है ही है, लेकिन फिर भी आपकी एक्टिविटी इतनी नजर आती है ना, मैं भी कभी कभी फॉलो करता हूँ, कभी थकान नहीं लगती क्या आपको? सर थकान अगर मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं, थकान हर किसी को होती है। अगर आप फिजिकल एफर्ट करेंगे तो थकान होगी, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आप खा अच्छा रहे हैं, अगर आप फिटनेस रेगुलरली कर रहे हैं, आपकी रिकवरी अच्छी है, तो आपकी स्लीप अच्छी है, स्लीप पैटर्न्स अच्छे हैं, तो आपकी रिकवरी तेज होगी। तो अगर मैं थक रहा हूँ और एक मिनट में मैं दोबारा रेडी हो जा रहा हूँ, तो वो मेरा प्लस पॉइंट है। तो आई थिंक वो मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करी जो बहुत जरूरी हो जाती है। आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है।